जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 31 जो टॉपिक था अकार्बनिक रसायन का, उसका जो टेस्ट सीरीज लिया गया था उसका हम एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। तो ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है क्या है। बोला कि पृथ्वी में वो कौन सा पदार्थ है जो कि सबसे जो है कठोर है, मतलब हार्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपको आंसर देना है किम्बरलाइट पत्थर। कौन सा पत्थर, तो किम्बरलाइट पत्थर जो है हीरा का जो है प्राकृतिक स्रोत है। अगर पूछ दे कि संसार में कौन सा हीरा जो है सबसे विख्यात है, तो देखिए संसार में जो है चार तरह का जो हीरा है वो जो है बहुत ही विख्यात है। पहला तो है जो आप भी जानते हैं, कोहिनूर हीरा। अब बात करें कि कोहिनूर हीरा का जो है कैरेट कितना होता है, मतलब कोहिनूर हीरा जो है कितने कैरेट का होता है, तो देखिए कोहिनूर हीरा जो है 186 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, 186 कैरेट का। वही अगर बात करें होप हीरा, तो होप हीरा जो है 445 कैरेट का होता है। और अगर बात करें कुलिनॉन हीरा, तो ये जो है 3032 कैरेट का होता है। कितना, 3032। और इसी हीरा का जो है कैरेट जो है सबसे अधिक है, क्या है, तो सबसे अधिक है कितना, तो 3032 कैरेट। बात करें पीट हीरा, तो देखिए पीट हीरा जो है 136.2 कैरेट का होता है। तो आप देख लिए, क्या देखें, तो संसार में जो भी हीरा जो है विख्यात है उन हीरो के नाम। अब बात कर लेते हैं कृत्रिम हीरा का निर्माण जो किसने किया, तो देखिए कृत्रिम हीरा का निर्माण जो है 1893 ईस्वी में जो है मोयांसा ने किया था। कौन, मोयांसा ने किया था। अब अगर बात करें हीरा के गुण की, तो देखिए हीरा जो है पारदर्शक होगा, रंगहीन होगा, मतलब क्या है, तो हीरा में जो है रंग नहीं होता है। अगर आपको कोई रंगीन हीरा दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये हीरा क्या है, अशुद्ध है। क्योंकि शुद्ध हीरा जो है पारदर्शक होता है, आर पार दिखाई देता है, और वह जो है रंगहीन होता है, उसमें जो है कोई रंग जो है नहीं होता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि हीरा का आकार कैसा होता है। तो देखिए हीरा का आकार जो है चतुष्फलकीय होता है। कैसा आकार होता है, चतुष्फलकीय आकार होता है। वहीं पर अगर बात करें कि कार्बोनेटो या बोट हीरा जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए काले कलर का जो हीरा होता है उसे जो है कार्बोनेटो या बोट हीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनेटो या बोट हीरा। और इस काला हीरा का उपयोग की बात करें, तो देखिए काला हीरा का उपयोग जो है कांच के काटने में, शीशा जो काटता है, जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, जो कि शीशे काटने वाला जो हीरा का यूज करता है, वो कौन सा हीरा होता है, वो काला हीरा होता है। और काला हीरा का मतलब क्या है, वो पूरा जो है हीरा जो शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध हीरा है। और दूसरी बात, देखिए काला हीरा का उपयोग जो है चट्टानों को छेद करने में और तथा पत्थर को जो है तराशने यानी पॉलिश करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, मतलब बोल है कि पृथ्वी जो है वहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में जो कौन सा तत्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। आइए अब बात करते हैं ऑक्सीजन से जुड़ी कुछ फैक्ट। तो देखिए ऑक्सीजन की अगर आवर्त सारणी की बात करें, तो इसे जो है आवर्त सारणी में जो है 16वां वर्ग में रखा गया है। अगर बात करें कि भाई ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो देखिए ऑक्सीजन की खोज जो है सीले ने किया था। अगर पूछ देखिए ऑक्सीजन की खोज कब किया था, तो 1772 ईस्वी में किया था। और अगर बात करें कि कहाँ के वैज्ञानिक ने किया था, तो देखिए यह जो है ऑक्सीजन की खोज जो है स्वीडिश के वैज्ञानिक ने, क्या नाम था, तो सीले नाम था। अगर आप बात करें ऑक्सीजन के गुण के बारे में, तो देखिए ऑक्सीजन का गुण जो है रंगहीन होता है। क्या होता है, तो ऑक्सीजन में जो है कोई जो है रंग नहीं होता है, ना ही गंध होता है, मतलब गंधहीन होता है, एवं वायु से भरी गैस होता है। क्या है, तो वायु से भरी गैस है। अगर बात करें कि अगर जो हम ऑक्सीजन को ठंडा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो देखिए ऑक्सीजन को जब भी आप ठंडा कीजिएगा तो वह जो है नीले रंग के जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। किस तरह के, तो नीले रंग के जो है द्रव में जो है वह जो परिवर्तित हो जाएगा। अगर पूछ दे कि ऑक्सीजन को किस नाम से जाना जाता है, तो प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात देखिए कोविड काल में क्या हुआ था, तो ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। क्यों, तो उतना जो है मात्रा में जो है तैयार नहीं हो रहा था ऑक्सीजन। तो वही बात कर लेते हैं प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को तैयार करने से रिलेटेड। तो देखिए प्रयोगशाला में जो है O2 यानी ऑक्सीजन जो है पोटेशियम क्लोराइड को जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है कितने डिग्री पर बनाया जाता है, तो 375 डिग्री तापक्रम पर जो है ऑक्सीजन को जो है बनाया जाता है। तो आपको जो है ये दोनों याद रखना है, प्राणवायु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑक्सीजन को ही जो है प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है कैसे प्राप्त किया जाता है प्रयोगशाला में, तो इतना चीज़ जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगर समस्थानिक की बात करें, क्योंकि समस्थानिक से जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो देखिए ऑक्सीजन के समस्थानिक जो है तीन है, कौन कौन से है,
तो इसके जो है तीन समस्थानिक है, एक का जो है द्रव्यमान होगा 16 होगा और एक का द्रव्यमान 17 होगा और एक का जो है द्रव्यमान जो है 18 होगा, बाकी तीनों का जो है परमाणु क्रमांक तो सेम ही होता है, वो 8 होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर से संबंधित है, मतलब बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर में जो है कौन कौन सा चीज़ जो है मिला रहता है। तो देखिए जर्मन सिल्वर में जो है 50% जो है कॉपर मतलब क्या हुआ, तो तांबा हुआ, और 35% जो है जिंक होता है और 15% जो है निकेल होता है। तो ये सारे चीज़ जो है पाया जाता है, आपको जो है यह जो है याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है पूछ देता है मिश्र धातु से। अगर बात करें कि ये जर्मन सिल्वर क्या है, तो देखिए जर्मन सिल्वर क्या है, तो एक मिश्र धातु है, और अगर बात करें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है बर्तन और जो है मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह मतलब बोल रहा है कि क्या है। आंसर होगा इसका सी होगा, चांदी होगा। देखिए चांदी की अगर बात करें तो चांदी जो प्रकृति में जो मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। अगर चांदी के निष्कर्षण यानी कि प्राप्ति की बात करें, मतलब बोला जाए कि अगर चांदी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए चांदी को जो है मैक ऑर्थर साइनाइड विधि के द्वारा जो है इसे जो है प्राप्त किया जा सकता है। और अगर इसके गुण की बात करें तो चांदी जो है चमकदार एवं श्वेत धातु होता है। कौन सा धातु होता है, तो चमकदार एवं श्वेत धातु होता है, और यह जो है ऊष्मा एवं विद्युत का जो है सुचालक होता है। और अगर बात करें कि इसमें भी यह जो है धातु में जो है सबसे अच्छा सुचालक है, क्या है, तो धातु में जो है सबसे अच्छा सुचालक है। और अगर बात करें कि इसे नष्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसे जो है गंधक के द्वारा जो है नष्ट किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है किसके द्वारा चांदी को नष्ट किया जा सकता है, तो गंधक के द्वारा जो है नष्ट किया जाता है। इसलिए जो है इसे बोला जाता है कि चांदी के बर्तन में जो अचार को नहीं रखना चाहिए, क्या होता है, तो उससे जो है अचार रखने से जो है उसमें जो गंधक के कारण जो है चांदी का जो बर्तन है वह जो है चांदी का बर्तन उसमें जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप वह जो है खराब हो जाता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, तांबे की मिश्र धातु है, मतलब बोल रहा है कि तांबे जो है किसकी मिश्र धातु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पीतल। देखिए तांबा की बात कर लेते हैं पहले, तो तांबा को जो है उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, और आदि मानव द्वारा जो सर्वप्रथम जो तांबा का उपयोग किया गया था, किसके द्वारा, तो तांबा का उपयोग किया गया था तो आदि मानव द्वारा। तो इसे प्राचीन इतिहास के दृष्टिकोण से जो है आप याद रखिएगा कि सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किसने किया था, तो आदि मानव ने किया था, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत के इतिहास में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता और प्राचीन इतिहास से जो संबंधित जो वहाँ पर जो पूछ लेता है। अगर पूछ दे कि किस तांबे को जो है अशुद्ध तांबा कहा जाता है, तो देखिए आपको याद रखना है फफोलेदार तांबे को जो है अशुद्ध तांबा जो है कहा जाता है। अगर बात करें विद्युत की, तो देखिए यह जो ऊष्मा एवं विद्युत का जो है सुचालक होता है, और इसे जो है अगर जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर गर्म कीजिएगा, तो इससे जो है SO2 गैस भी निकलता है। कौन सा गैस, तो SO2 गैस भी निकलता है। और अगर इसकी बात करें तांबा को, तो आप लोग को भी पता है घरों में जो है विद्युत उपकरण एवं तार में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है, जो कि आप लोग घर में लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कि आंसर में पूछा गया कि तांबे की किसकी मिश्र धातु है, जो कि पीतल के मिश्र धातु है। तो आप देखिए पीतल में कितना रहता है, पीतल में जो है 70% जो है तांबा रहता है। कितना रहता है, तो पीतल में जो है 70% तांबा रहता है, तो बाकी क्या रहता है, कितना बच गया बाकी, तो 30% बच गया 100% में, तो बाकी जो है जिंक जो है 30% रहता है। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए जिन धातुओं को जो पीट कर जो है पीटा जाता है उसे जो है क्या कहा जाता है, सुनम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनम्य। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, हीरा अपरूप है, बोल रहा है कि हीरा किसका अपरूप है। तो इसे जो है हम बताए हुए थे इससे पहले के वीडियो में भी कि हीरा जो है कार्बन का ही अपरूप है, और इसके अंतर्गत आप देखे थे कार्बन के अपरूप के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता था, तो कार्बन के अंतर्गत जो है हीरा आ जाता था, ग्रेफाइट आ जाता था, चारकोल आ जाता था, और कोल आ जाता था, और कोक आ जाता था। तो उस तरह से जो आप क्या कर इसको जो है आप जो है समझ से जो है इसको जो आंसर दे सकते हैं क्या है, तो हीरा किसका अप्रूप है, तो सोने का अप्रूप है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्धतम रूप है, मतलब बोल रहा है कि शुद्ध लोहा का रूप नहीं है, मतलब बोल रहा है कि कौन सा लोहा है जो शुद्ध नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह जो पिटवा लोहा जो है शुद्ध नहीं होता है। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। अभी तुरंत हम देखे पीतल में क्या क्या था, तो जस्ता था, मतलब जिंक था, और क्या था, कॉपर था। जिंक कितना था, तो 30% था, और तांबा कितना था, 70% था। तो वही बात को जो घुमा दिया, मतलब पीतल से जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए आपको जो पीतल पर जो है ज़्यादा ध्यान देना है, पीतल पे भी मिश्र धातु से भी जो है ज़्यादा जो है आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब दसवां क्वेश्चन है, खनिज जिसे जो इंग्लिश में मिनरल्स कहा जाता है, बोल रहा है कि खनिज जो है क्या है।
तो खनिज जो हुआ जो प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ है, क्या है तो प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ है। और इसमें अगर बात करें तो यह जो है किस रूप में उपस्थित रहता है, तो यह जो तत्व एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है, और यह जो है बिना कार्बन का जो है ठोस रूप होता है। किस रूप में होता है, ठोस रूप में। तो इसलिए इसका आंसर क्या देना है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अकार्बनिक जो है यह जो ठोस है बिना कार्बन का है, मतलब क्या है तो अकार्बनिक है, अकार्बनिक ठोस है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, बोले कि किसका परत चढ़ाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा जस्ता। देखिए अब हम जस्ता के बारे में कुछ जो फैक्ट है उसको बताते हैं। जस्ता जो प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है, तो प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगर इसकी बात करके जस्ता को प्राप्त किससे किया जाता है, तो देखिए इसका जो निष्कर्षण जो होता है उसी से प्राप्त किया जाता है, और किसके साथ निष्कर्षण होता है तो ZnS सूत्र जो होता है जिसे जिंक ब्लेड कहा जाता है उसके साथ। अगर बात करें जस्ता के उपयोग का, तो देखिए जस्ता का उपयोग जो जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, और यहीं से क्वेश्चन जो आपको यहां पे बना दिया है कि गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किसका, तो जस्ते का, तो यहीं से क्वेश्चन जो घुमाया हुआ है। अब इसके अलावा देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है, और तो देखिए इसका उपयोग जो पीतल कांसा जर्मन सिल्वर के निर्माण में किया जाता है, और इसके अलावा जो है जस्ता का उपयोग जो है चांदी एवं सोने के निष्कर्षण में किया जाता है, और युद्ध क्षेत्र में जो है धूम्रपट बनाने में जो है इसका जो है यूज किया जाता है। तो इतने फैक्ट जो है आपको जो है याद रखना है। अब देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में के पुर्जों में जो है काम में लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम जो भूपत्ति में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, क्या है तो भूपत्ति में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, और यह जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तीसरा धातु है, क्या है तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तीसरा धातु है, किसके किसके बाद, तो ऑक्सीजन सबसे पहले हुआ और उसके बाद क्या, तो उसके बाद सिलिकॉन, और उसके बाद तीसरा नंबर पर है एल्युमिनियम। अब देखिए आप बात करते हैं एल्युमिनियम के उपयोग के बारे में, देखिए आपको जितना भी आप कार्बनिक में जो है जितना भी एलिमेंट चाहे धातु चाहे अधातु चाहे उपधातु देख रहे हैं उसका जो है आप जो उपयोग जो है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उपयोग से भी जो है क्वेश्चन आता रहता है बीपीएससी में। तो देखिए इसका उपयोग जो है एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, वायुयान या मोटर बनाने में, तो वायुयान से पूछ दिया है तो मोटर से भी जो है पूछ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो घरेलू बर्तन के निर्माण में, और इसके अलावा अगर बात करें तो मिठाई सिगरेट को जो है लपेटने में जो है किसका यूज किया जाता है, तो एल्युमिनियम का जो है उपयोग किया जाता है। अब देखिए 13वां नंबर का क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है, बोल रहा है कि किसका जो है मिश्र धातु है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील में जो है क्या रहता है, तो 15% जो है क्रोमियम रहता है, और उसके बाद जो है लोहा तो रहता ही स्टील में। देखिए स्टेनलेस स्टील में जो कितना परसेंट रहता है क्रोमियम, तो 15% जो है क्रोमियम रहता है। तो आप चेक कीजिए ऑप्शन में जो है कहाँ पर है ये क्रोमियम, तो सी नंबर के ऑप्शन में है लोहे और क्रोमियम का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, पारा धातु मिश्रण है, बोल रहा है पारा धातु मिश्रण है, बोल रहा है किसका, तो देखिए पारा धातु जो है पारदयुक्त मिश्र धातु का जो है मिश्रण है, किसका, तो पारदयुक्त मिश्र धातु का मिश्रण है, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, वायु एक है, बोल रहा है कि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, मिश्रण है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा मिश्रण है। ये तो वन लाइनर है इसलिए आपको याद रखना है, और अगर आपको इस अकार्बनिक को जो है अगर याद करना है तो आप जो है अगर आप एसपीडी को फॉलो करते हैं सिर्फ इस चैप्टर के लिए, एसपीडी में जो वन लाइनर जो होता है, तो आप वहां से अगर देख लेते हैं तो बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप अगर किसी लुसेंट से देखेंगे चाहे किसी भी बुक से देखें तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप अगर जो है एसपीडी में चले जाते हैं और वहां पर जो है वन लाइनर में लिखा हुआ रहता है। हमारा कहना है कि अगर आप एसपीडी से अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं ये टॉपिक को, तो बहुत ही अच्छा जो आपको हो जाएगा, क्योंकि यह जो आपको याद रखना है। 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यूरेनियम। आइए अब बात कर लेते हैं यूरेनियम के बारे में। देखिए यूरेनियम जो सबसे दुर्लभ धातु है, क्या है तो सबसे दुर्लभ धातु है, मतलब क्या, यह जो है हमेशा जो प्रकृति में नहीं मिल पाएगा, हमेशा दुर्लभ मतलब क्या है, बहुत ही मेहनत के द्वारा चाहे बहुत ही ढूंढ के जो इसे जो खोया जाता है, दुर्लभ है, जिसे जो दर्शन देना भी नहीं सुनते आप लोग, दर्शन देना दुर्लभ हो गया आजकल, तो उसी प्रकार जो है यूरेनियम क्या है, सबसे दुर्लभ धातु है, इसे जो है आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे जो है किस नाम से और भी जाना जाता है, तो देखिए इसे जो है आशा धातु के नाम से जाना जाता है। किस धातु के नाम से, आशा धातु के नाम से। अगर बात करके भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता कहाँ है, तो देखिए भारत में सर्वाधिक यूरेनियम जो है झारखंड में होता है, कहाँ होता है, झारखंड राज्य में होता है। अगर बात करें कि यूरेनियम को
कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो देखिए पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, पीच ब्लेंड से जो इसे जो है प्राप्त किया जा सकता है। अगर बात कर ले कि इसके समस्थानिक कितने होते हैं, क्योंकि समस्थानिक जो है एक तो चैप्टर है और समस्थानिक से जो क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, दृष्टिकोण से यहाँ पे हम ये फैक्ट रख रहे हैं कि देखिए यूरेनियम को जो है तीन जो है समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो है एक का परमाणु द्रव्यमान होता है 234 होता है, और दूसरे का होता है 235, और तीसरे का होता है 238 होता है। बाकी का परमाणु क्रमांक क्या होता है यूरेनियम का, तो 92 होता है, तीनों का सेम होता है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हेमेटाइट। अब क्यों हो जाएगा, तो देखिए लोहे की प्राप्ति के लिए जो है लाल हेमेटाइट खनिज एवं जो है मैग्नेटाइट का जो है निष्कर्षण किया जाता है, और इसके फलस्वरूप ही जो आपको जो है लोहे की प्राप्ति होती है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इसे जो है हेमेटाइट के द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जो है रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया प्रयोग होता है, तो आप लोगों को पता ही है किसका प्रयोग होता है, तो टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में कौन समान ताप पर द्रव है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से चूज करने के लिए बोल रहा है कि कौन जो है समान ताप पर जो है द्रव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पारा हो जाएगा, समान ताप पर जो है यह जो है द्रव होता है। देखिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है, देखिए आवर्त सारणी में जो आपको दिया हुआ है तीसरे और चौथे समूह उसके ऑक्साइड का जो है बोल रहा है कि समान गुणधर्म क्या होता है, तो इसका गुणधर्म क्या होता है, तो यह जो है बेसिक और जो है एसिडिक नेचर का होता है, किस नेचर का, तो यह जो है अम्लीयता एवं जो है क्षारीयता नेचर का जो है प्रकृति का होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, आपको क्या पूछा है कि वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए वो बोल रहा है, किसके लिए, तो धातु तत्वों के लिए, तो आपको पता ही है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो पोटेशियम होता है, जिसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 20 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 2882। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार जो है किस पदार्थ की जो बनी होती है, तो देखिए अभी इससे पहले हम देखे हुए थे बल्ब में जो किस धातु का यूज होता है, तो देखिए इसमें जो टंगस्टन धातु का है, लेकिन अगर वहीं पर जो आपको क्वेश्चन बना के पूछे कि बल्ब के फ्यूज जो है किससे बना होता है, तो आपको याद रखना लेड और टीन से होता है, किससे होता है, तो लेड और टीन से होता है, यानी कि शीशा और टीन की मिश्र धातु से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु जो है आयन पाया जाता है, बोल रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु जो है आयन जो है पाया जाता है। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर जो है हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जो है जम जाती है, तो धातु क्या है, बोल रहा है कि उस धातु के बारे में बताइए, वह कौन सी धातु है जिसको जो है अगर वायु में थोड़ी देर रख देते हैं तो वह जो है बेसिक कार्बोनेट बना लेती है, तो देखिए यह धातु का नाम क्या है, तो इसका नाम है तांबा है, और तांबा की अगर बात करें तो यह जो है इसकी प्रकृति की बात करें तो देखिए तांबा जो है उससे जो है अगर शुष्क हवा से जो प्रतिक्रिया कराइएगा तो वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, लेकिन अगर जो है आप कुछ आर्द्रवायु यानी कि नम वायु में अगर रख दीजिएगा तो क्या होगा वहाँ पर जो प्रतिक्रिया कर लेगा, यह इसका जो है गुण है, बेसिक गुण है, और क्या बना देता है, तो ये जो है भास्मिक कार्बोनेट जो है बना देता है, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है यही हो जाता है, तांबा हो जाता है। इसके अलावा और बात करते हैं कि तांबा जो है और किसके साथ जो है क्या प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिए यह जो तांबा जो है HCl के साथ जो प्रतिक्रिया करके जो क्या बना देता है, क्विपरिक क्लोराइड बना देता है, क्या बना देता है, क्विपरिक क्लोराइड, तो इतना जो है आपको याद रखना है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी जो धातुएं पाई जाती है, तो अभी तुरंत हम देखे थे, क्या देखे थे, तांबा और जो है जस्ता पाया जाता है पीतल में, कितना होता है तांबा, तो 70% जो है तांबा होता है और 30% क्या होता है, तो जस्ता होता है, जिंक होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो किसकी धातु का उपयोग होता है, तो देखिए यूरेनियम धातु का जो उपयोग किया जाता है। अगर बात कर ले कि इसके अलावा जो यूरेनियम धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए इसका उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, और मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है, और अमोनियम के उत्पादन में, किस विधि से, तो हैबर विधि से जो है अमोनियम का उत्पादन में जो है इसका उपयोग होता है। इसके अलावा फोटोग्राफी में और ईंधन के रूप में और आयुध शस्त्र के निर्माण में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है और पोटेशियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो पोटेशियम नहीं रहता तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता ए हो जाता, सोडियम हो जाता। अब देखिए 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो हंसने वाली गैस
कहा जाता है। तो आप लोग को पता ही है किसे जो है हंसने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। बोल रहा है कि सोडा वाटर जो आप खोलते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पर जो है गैस निकलने लगता है जब खोलते हैं तुरंत, तो उसमें से बोल रहा है कि कौन सा गैस निकलता है, तो CO2 निकलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। बोल रहा है कि किस पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप को गुजारते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है जब एल्युमिनियम पर जो है भाप को गुजारते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एल्युमिनियम के। अब देखिए 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जर्मेनियम धातु जो है। ये 32वां क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो देखिए मतलब मायोग्लोबिन में जो है आपको जो लोहा धातु होती है, कौन सी धातु होती है, तो लोहा की धातु होती है। अब देखिए 33वां क्वेश्चन जो कि आप लोगों को भी पता है, गेहूँ की खेती के लिए कौन सा उर्वरक जो अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन का जो है यूज जो है उपयोग किया जाता है। अगर वहीं पर जो है यूरिया भी रहता तो यूरिया भी जो आप यहाँ पर जो है दे सकते थे, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर का क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। बोल रहा है कि हवा में किस गैस की मात्रा जो सबसे अधिक है, तो आप ही बताइए हवा में सबसे ज्यादा जो है किस गैस की मात्रा है, तो नाइट्रोजन में है। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको जो है आपको वन लाइन में ही जो याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 35वां क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। देखिए ये जो ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन और रेडॉन जो है, ये सब जो है शून्य वर्ग के ही तत्व है। क्या है, तो शून्य वर्ग के ही तत्व है। लेकिन अगर बात करें तो देखिए रेडॉन को जो है छोड़कर जो है बाकी सभी जितने भी है ये सभी जो वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन जो रेडॉन जो है वायुमंडल में जो है नहीं पाया जाता है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं, ये जो नोबल गैस जो है रेडॉन जो है इसमें जो नहीं है। अब देखिए 36वां क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। बोल रहा है कि किस तरह की होती है। तो देखिए ब्रोमीन जो है वो जो लाल द्रव के रूप में होती है। किस रूप में होती है, तो लाल द्रव के रूप में होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 37वां क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। बोल रहा है कि वह तत्व कौन सा जो मानव के पसीने से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं है। तो आखिर होगा कौन, तो देखिए पानी, नमक और प्रोटीन, यूरिया जो है मानव के शरीर के पसीने से निकलता है, यूरिया निकलता है। और पर क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई मानव शरीर से जो है कौन सी चीज निकलता है, और ऑप्शन बनेगा यूरिया, तो आपको आंसर करना है यूरिया। इसके अलावा आप देख लीजिए, आपको याद रखना है कौन सी चीजें जो है मानव के शरीर से निकलता है। तो देखिए पानी निकलता है, जो कि आप लोग को पता ही होगा, नमकीन होता है और पानी, नमक तो हो गया, प्रोटीन भी निकल जाता है उसी के साथ, और उसके बाद जो यूरिया भी जो है निकलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तत्व नहीं है। बोल रहा है कि इसमें से चूज कीजिए कौन जो है तत्व नहीं है। तो देखिए धातु जो है तत्व है, एलिमेंट है, और देखिए अधातु जो है ये भी जो है तत्व है, और देखिए गैस जो है यह तो तत्व नहीं है। अब देखिए डी, देखिए उपधातु, ये भी जो है तत्व के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अब देखिए 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप लोग अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो किस में रखा जाता है। तो देखिए मिट्टी के तेल को जो किस में रखा जाता है, तो सोडियम में जो डुबा कर रखा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सोडियम। देखिए 40वां नंबर का कथन से है कि कह रहा है कि सोडियम धातु का संचयन जो किरोसिन में होता है, ये बात जो है क्या है, तो ये बात तो सही है। कारण में बोल रहा है धातु सोडियम वायु प्रभाव पर जो गल जाती है। बोल रहा है कि क्या धातु जो सोडियम के वायु प्रभाव पर जो है गल जाती है, तो यह तो बात गलत है, यह जो बात सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन चूज कीजिए कौन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब कि कथन जो है वह जो है सही है, परंतु जो है कारण जो है गलत है। तो जितने भी क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अकार्बनिक रसायन से, सारे को जो है इसमें जो है डिस्कस कर दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि जो 67वीं BPSC के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो टेस्ट जो है जरूर लगाइए, क्योंकि टेस्ट लगाने से जो है आपकी जो है कमी का जो है पता चल जाता है। तो इससे आगे क्या कहे, बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डेज, टेक केयर।